वेलकम 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 बच्चों, आप लोग सामने में क्या देख रहे हैं? एक पहाड़। बिल्कुल सही, आप लोग में से कई सारे बच्चे झरना देख चुके होंगे। कई बार हम लोग पिकनिक मनाने के लिए जब जाते हैं तो किसी न किसी झरना के पास जाते हैं। इसको इंग्लिश में वाटरफॉल्स कहा जाता है और यह झरना हम लोगों को कुछ सिखाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या सिखाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इस झरना कविता को पढ़ेंगे और जानेंगे कि यह झरना हमें क्या सिखाता है। तो आइए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं दुलार चंदास स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दुलार में। ऊंचा ऊंचा वह पर्वत है, पर्वत से झरना झरता है, झरझर झरना कुछ कहता है, कभी ना सोता बस बहता है। देखिए, ये ऊंचा ऊंचा पर्वत यहाँ पे है और झरना जब भी निकलता है तो किसी पर्वत या ऊंचे स्थान से गिरता है, तभी वह झरना बनता है। तो यह पर्वत से गिर रहा है और पर्वत बहुत ऊंचा होता है, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि ऊंचा ऊंचा वह पर्वत है और पर्वत से झरना झरता है। झरने का झरता है का मतलब है गिरता है। तो पर्वत से पानी जो गिर रहा है वह झरझर करता है, इसीलिए उसका नाम झरना हो जाता है। तो झरझर झरना कुछ कहता है, झरझर की आवाज़ करते हुए गिरता है, तो वो आवाज़ से वो हमें कुछ कहना चाहता है। कभी न सोता बस बहता है, झरना कभी आराम नहीं करता, वह कभी रुकता नहीं, वह हमेशा बहता रहता है। जीवन यह विश्राम नहीं है, चलना चलना चलते रहना, अथक पथिक का बढ़ते रहना, सुबह शाम आराम नहीं है। जीवन यह विश्राम नहीं है, झरना ऐसा हमें बतलाता है कि हमें विश्राम जीवन में नहीं करना है। चलना चलना चलते रहना मतलब हमें अपने कार्य में लगे रहना है, अपने काम को करते रहना है। अथक पथिक का बढ़ते रहना मतलब है कि बिना थके हम अपने काम में आगे बढ़ते रहना, बिना थके हमें अपने काम में आगे बढ़ते रहना है। सुबह शाम आराम नहीं है, सुबह हो शाम हो कोई भी समय हो, हमें अपने काम में लगे रहना है और आगे बढ़ते रहना है। कदम कदम पर चट्टाने हो, राह रोकते पासा नड़े, टकराती लहरों पर लहरें, झुकती जाए दीवारें हो। बच्चों, झरना जैसे ही आगे बढ़ता है कदम कदम पर, उसको कई चट्टानें मिलती है, कई बाधाएं मिलती है, समस्याएं मिलती है जो उसे आगे बढ़ने से रोकती है। राह रोकते पासान अड़े, पासान का मतलब है पत्थर, कई बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं उसे लेकिन वह रुकता नहीं है। टकराती लहरों पर लहरें, और उसमें से जो लहरें उठती है और फिर लहरों से टकराती है, फिर उठती है फिर टकराती है। झुकती जाए दीवारें हो, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ता है, वो चाहे दीवार हो या पत्थर हो, कुछ भी समस्या हो उसके रास्ते में, वह उन रास्तों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाती है। झरना बहता उछल उछल कर, राह नहीं वह निर्मित करता, निर्झर झरझर गूंज गूंज कर, आगे की है राह दिखाता। झरना जब उसको आगे बढ़ने में बाधाएं मिलती है, समस्याएं मिलती है, तो वह उछल उछल कर उसको पार करने की कोशिश करता है और नई राह बनाता है। वह बार बार उछलता है, बार बार उछलता है, और सामने जो पत्थर होता है या कुछ भी होता है, या तो उसे खिसका देता है, साइड कर देता है, या फिर उसको पार करते हुए वह उससे आगे निकल जाता है। और झरझर की आवाज़ करते हुए, गूंजना मतलब आवाज़ करना, और झरझर निर्झर मतलब भी झरना ही होता है। झरझर वह आवाज़ जो करता है और आवाज़ उसका गूंजता है, लगातार वह आवाज़ करते रहता है, इसलिए गूंज गूंज कर आगे की है राह दिखाता। वह आवाज़ करते रहता है झरझर झरझर की, इसीलिए वह उसकी आवाज़ यहाँ बतलाता है कि उसकी आवाज़ हमें कुछ बतलाता है, उसकी आवाज़ हमें बतलाता है, आगे की राह दिखाता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह पोयम हम सबको बहुत बड़ी सीख देता है कि हमें झरने के समान आगे बढ़ना है, न कभी रुकना है। और यहाँ पे बतलाया गया है, यहाँ पे आप एक जगह देख रहे होंगे, जीवन यह विश्राम नहीं है। तो यहाँ झरना बतलाता है कि जीवन में विश्राम नहीं करना है। तो इसका ऐसा मतलब नहीं है कि हमें सिर्फ काम करते रहना है, विश्राम भी करना है। विश्राम करने के लिए हमें जो समय मिला है, रात का समय मिला है, हमें उस समय विश्राम करना है। और दिन का समय हम लोगों को काम करने के लिए मिला है, तो कई लोग क्या करते हैं कि दिन में भी आराम करते हैं और रात में भी आराम करते हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। झरना हमें वही बतलाता है कि दिन में जो हमें काम करने का समय मिला है उस समय हमको आराम नहीं करना है। आराम करने के समय में तो आराम करना ही है, लेकिन दिन में आराम बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे
इसका कहने का तात्पर्य यही है। तो ऐसा नहीं समझना है कि दिन में और रात में 24 आवर जो है 24 घंटा हमें काम करते रहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काम करने के समय में हमें काम करना है, बस यही बतलाता है, और हमें अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। अगर झरने की इस सीख को हम अपने जीवन में अमल करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो झरने के समान हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों यह पोयम समाप्त हो जाती है और इसमें कुछ प्रश्न भी दिए हुए हैं। आइए देखते हैं क्या प्रश्न दिए हुए हैं। यह इस चैप्टर का शब्दार्थ है पर्वत, पहाड़, पथिक, राही। इसको आप लोग पढ़कर याद कर लेंगे। 2 नंबर में इन शब्दों का लिंग निर्णय करते हुए वाक्य बनाएं, यहाँ पे इतने सारे शब्द दिए हुए हैं। और 3 नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, इन प्रश्नों के उत्तर देना है। 4 नंबर में इसके लिए दूसरा शब्द बताएं, इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। 5 नंबर में इन शब्दों में विशेषण जोड़ें, इन शब्दों में विशेषण जोड़ना है। तो आइए मैं आप लोगों को इन सारे प्रश्न का उत्तर बना के दिखाता हूँ। चैप्टर 5 झरना का यह प्रश्न उत्तर है, इन शब्दों का लिंग निर्णय करते हुए वाक्य बनाएं। झरना पुलिंग, झरना बहता है, यहाँ सभी शब्दों में स्त्रीलिंग पुलिंग लिखा हुआ है। सुबह, सुबह हो गई, शाम, शाम होने वाली है। चट्टान, चट्टान पथरीली है। लहर, लहर चल रही है। दीवार, दीवार ऊंची है। निर्झर, निर्झर राह दिखाता है, राह, राह नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। जीवन क्या है? जीवन एक झरना है। झरना झरता हुआ क्या कहता है? झरना झरता हुआ हमें परिश्रम करने को कहता है। अधिक कदम कदम पर चट्टाने हो तो झरना क्या कर पाता है? अधिक कदम कदम पर चट्टाने हो तो झरना उन बाधाओं को सहते हुए नई राह बनाता है। झरना उछल उछल कर क्या करता है? झरना उछल उछल कर नई राह का निर्माण करता है। मानव जीवन झरने के समान कैसे है? मानव का जीवन भी झरने के समान ही होता है। झरने की तरह मानव जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं, पर मानव इसे पार करते हुए सदा आगे की ओर बढ़ते जाता है। क्या विघ्न आने पर हमें रुक जाना चाहिए? विघ्न आने पर हमें नहीं रुकना चाहिए। जीवन यह विश्राम नहीं है का क्या अर्थ है? जीवन यह विश्राम नहीं है का अर्थ है जीवन में आराम किए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। इनके लिए दूसरा शब्द बताएं, पर्वत, पहाड़, पथिक, राही, सबका पर्यायवाची शब्द यह है, इसको बतला दिया गया है यहाँ पे। और 5 नंबर में इन शब्दों में विशेषण जोड़ें, पर्वत का विशाल पर्वत, पथिक का थका पथिक, सुबह पावन सुबह, शाम सुहावनी शाम, राह लंबी राह। और यहाँ पे चैप्टर 5 झरना पूरी तरह समाप्त हो जाता है। यदि आपको हमारे इस वीडियो से पढ़ाई में थोड़ा भी मदद मिलता है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं प्रतिबद्ध हूँ आप लोगों की मदद के लिए, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ें। और इसके आगे का चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं।